नागपुर में आज सुबह जोरदार बारिश का आगमन हुआ। झमाझम बारिश की वजह से पूरे शहर का वातावरण बदल गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे तक 8.2 मिलीमीटर बारिश नागपुर में दर्ज की गई। नागपुर समेत अन्य जिलों में जोरदार बारिश हुई है। नागपुर जिले के रामटेक, काटोल समेत विदर्भ के अमरावती, भंडारा, वर्धा में बारिश ने दस्तक दी। मार्च के पहले सप्ताह से गर्मी ने कुछ असर दिखाना शुरू किया था, किंतु गुरुवार को हुई बारिश ने फिर से तापमान में कमी देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3 दिनों तक बारिश चलने की संभावना है। साथ ही 19 मार्च को यानी शुक्रवार को जोरदार बारिश के साथ विदर्भ के अनेक स्थानों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम में अचानक से तापमान में काफी गिरावट आई है। अनेक स्थानों पर दिन भर बदरीला मौसम बना रहा। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग के नागपुर प्रदोषित केंद्र ने आने वाले गुरुवार को विदर्भ के सभी जिलों में फिर से बारिश होने के संकेत दिए थे। 18 मार्च को बिजली की कड़कड़ाहट होने के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना जताई थी। बारिश की वजह से किसानों को नुकसान सहन करना पड़ा। अब फिर से किसानों को बारिश का सामना करना पड़ेगा। बारिश की वजह से तापमान पर असर दिखने को मिला। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।